वेलकम टू न्यू सीरीज ऑफ सिंह ऑटो जोन। दोस्तों ये सीरीज में इसलिए बनानी पड़ती है, कई बार कोई अपडेट इतना छोटा आता है कि उस पर मैं एक फुल वीडियो नहीं बना पाता, तो ऐसे में मैं 3-4 अपडेट छोटे छोटे इकट्ठे करके उनको एक सिंगल वीडियो बना देता हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों आज की भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ जो पहला अपडेट निकल कर आया है वो है जिनेवा ऑटो शो से। बिल्कुल जो भारत की जो मेन टाटा ऑटो कंपनी है टाटा मोटर्स, उसने जो लास्ट 2018 में एक कंसेप्ट मॉडल दिखाया था 45X, जिसको उसका प्रोडक्शन मॉडल भी तैयार हो चुका है और उसको 45X के नाम से पहले जाना जाता, बट अब इसको नाम दिया गया अल्ट्रोज। बिल्कुल उसका अल्ट्रोज का इलेक्ट्रिकल वर्जन जिनेवा ऑटो में दिखाया गया है। इसकी रेंज 200 से 250 के आसपास इसकी रेंज रहेगी, बट इसका एक हाई एंड मॉडल जिसमें 300 प्लस की रेंज रहेगी वो भी मार्केट में उतारा जाएगा, तकरीबन 2020 तक इसको मार्केट में उतार दिया जाएगा। लेकिन ये एक प्रीमियम कार होने वाली है, लेकिन बिल्कुल इसका जो प्राइस, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल प्राइस भी इसका अच्छा खासा रहेगा, बाकी जब लॉन्च होगा तो हमें ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट है वो न्यू दिल्ली से आया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने जो बिल्कुल कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है 1000 लो फ्लोर नई इलेक्ट्रिकल बसेस को ऐड करने के लिए, और इसके लिए 2500 करोड़ का बजट भी रखा गया है। इन फेज मैनर में अगले 5 से 6 महीने में इन बसों को ऐड किया जाएगा। ऑलरेडी कई कंपनी उसकी टेस्ट ड्राइव दिल्ली में चल रही थी इलेक्ट्रिकल बसों की। रेंज की बात करें तो इन बसों की तकरीबन 150 से 200 के आसपास रेंज रहेगी। इनको रात में जो इनके डिपो है डिफरेंट लोकेशन पर, वहीं पर चार्जिंग सेटअप किया जाएगा और वहीं पर इनको रात में चार्ज किया जाएगा। इन बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन, फुली एसी रहेंगी बसें, इस तरह के फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। बहुत जरूरत है न्यू दिल्ली को इस तरह की बसेस की, स्पेशली पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये ज्यादा पोल्यूशन करती है बड़ी गाड़ी जो होती है। इसके बाद जो तीसरा अपडेट आया है सीधा चाइना से, जो टेस्ला जो टेस्ला का मॉडल 3 जिसकी जो 1600 के आसपास गाड़ियां एंटर हुई थी चाइना में, उनको जो कस्टमर डिपार्टमेंट था उसने उनको सेल पर रोक दिया है, क्योंकि उसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज उनको पाई गई। उनको कहते हैं इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी है, क्लैरिटी नहीं है उसमें, जिस वजह से फिलहाल इन गाड़ियों की जो सेल है उसको रोक दिया गया इंडिया में, जो कि बहुत बड़ा झटका है टेस्ला के लिए। यहाँ लास्ट अपडेट निकल कर आया है महिंद्रा की तरफ से। ओला उबर आप सब जानते हैं कि एक ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस है, कैब सर्विस है इसी सेगमेंट में, बट इन इलेक्ट्रिकल कैब सर्विस की सेगमेंट में महिंद्रा एंटर कर ली है। फिलहाल वो मुंबई से स्टार्ट करेंगे, बाद में इसको अदर स्टेट में भी एक्सपेंड किया जाएगा। ग्लाइड के नाम से ये रहेगा, GLID, और बहुत जल्दी इसको ऑलरेडी आई थिंक 10 से 12 जो कार हैं उसको भी इस बेड़े में शामिल कर लिया गया है, लेकिन आगे चलकर तकरीबन 200 से 250 इलेक्ट्रिकल कार्स को ऐड किया जाएगा। दोस्तों ये थे छोटे छोटे अपडेट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहें सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए।